यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नूरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 27 जाने चली गई और सरकार की ओर से इस हादसे पर मरहम भी लगाया गया। बीजेपी सरकार ने 5-5 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। टीम भी वहां पर जो उसमें राहत कार्य के लिए जो है वहां पर मौके पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया उसमें और इस दुखद घटना से हम सब लोग आहत हैं और सरकार की ओर से जो हम कर सकते थे वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख रुपए पर जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिन बच्चों की, उनके परिवार को दिया जाएगा और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की घटना ना हो। कांगड़ा जिला के नूरपुर क्षेत्र में एक स्कूल बच्चों को ले जाती हुई बस जो है वो खाई में गिर गई। ये रोड कंडीशंस के कारण वहाँ पर शायद हुआ होगा, बस खाई में गिरी है। क्या कारण हो सकते हैं इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो कराने के जो है वो आदेश दिए हैं। अभी तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो अनुमान है डिप्टी कमिश्नर शिमला और डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा तथा डिप्टी कमिश्नर अपने SP कांगड़ा, उन दोनों के द्वारा जो है लगभग 20 बच्चों का अभी तक का एस्टिमेट उन्होंने बताया कि लगभग 20 तो कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रदेश में घटी है और बहुत छोटे बच्चों के जीवन का ये सवाल था। आखिर वैसे पेरेंट्स के एक एक बच्चा होता है, अब कहीं के दो बच्चे भी इस हादसे में शिकार हुए, किसी के बच्चे की डेथ हो गई या दूसरा जगह हो। समय में प्रदूषण के साथ संवेदना व्यक्त भी कर रहा है और मुख्यमंत्री जी की ओर से जहाँ से राहत की 5 लाख की बात कही है, पूरा प्रदेश उनके साथ संवेदना भी रखता है। स्कूल के बच्चों की बस का दुर्घटनाग्रस्त होना, उनकी मृत्यु होना बहुत ही पीड़ादायक भी है और उन सभी के परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में हम साथ खड़े हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको इस दुख को सहने की क्षमता भी दें और प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन भी रहेगा कि सभी के परिवारों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके वो दें और इस हादसे की जांच भी करवाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे।